नमस्ते, मैं डॉक्टर अमरीश बिरादर। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, कर्नाटक कलबुर्गी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हेमनोप्लास्टी के बारे में। कुछ लोगों का जिनका अफेयर रहेगा लड़कियों का या कुछ और रीज़न की वजह से, वो हाइमन रिपेयर पूछते हैं, उन लोगों के लिए हम एक हाइमन नोप्लास्टी बोल के ऑफर करते हैं। नॉर्मली हाइमन एक छोटा सा मेम्ब्रेन रहता है, उसमें एक छोटा सा होल रहता है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। उन लोगों का अगर वो बड़ा हुआ है तो फर्स्ट इंटरकोर्स में शादी होने के बाद ब्लीडिंग नहीं होगा, उन लोगों के लिए हम एक हाइमनोप्लास्टी बोल के ऑफर करते हैं। हाइमनोप्लास्टी एक लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा। और जिन लोगों को वो डिस्कम्फर्ट भी नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए हम एक सेडेशन प्लस लोकल एनेस्थीसिया में हाइमनोप्लास्टी बोल के करते हैं। एक हाइमन मेम्ब्रेन को जैसे इंटरकोर्स से पहले था वैसे हम बना सकते हैं, वर्जिन हाइमन की तरह बना सकते हैं। एजेस को हम एक ट्रिम करके नॉर्मल हम एक प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक से डिजॉल्वेबल सुचर्स यूज़ करके हम एक हाइमनोप्लास्टी करते हैं। ये प्रोसीजर डे केयर करने के बाद एक 2 से 3 घंटे के बाद आप घर को जा सकते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर रहेगा, पूरे फीमेल स्टाफ रहेंगे। करने के बाद आप इमिडिएटली 2 से 3 घंटे के बाद घर को भी जा सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसे प्रोसीजर्स को आप किसी को लेके आने की भी ज़रूरत नहीं रहता, आप अकेले आके आपको पूरा देखभाल हॉस्पिटल में ही हो जाता है। स्पेशल रूम दिया जाएगा और आपको आइडेंटिटी भी रिवील करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। ये प्रोसीजर के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप हमारे ऑफिस नंबर 9077117444 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।